हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर CPM वर्क करके डॉलर इंक्रीज कर सकते हो। तो दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हो कितना ज़्यादा डॉलर इंक्रीज हो चुका है। तो यहां पर देख सकते हो $11 की अर्निंग हो चुकी है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था किस तरीके से मैंने 2 ID से CPM वर्क करने पर $1 की अर्निंग हुई थी। उसी VPN से मैंने केवल आज 15 से 20 ID से वर्क करने पर यहाँ पर मुझे $9 से $10 की अर्निंग हो चुकी है। अगर आपको भी इस तरीके से अर्निंग करना है तो आपको किस तरीके से अपने YouTube चैनल के ऊपर CPM वर्क करना है, तो बने रहो वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पर 26 दिसंबर का रेवेन्यू है $9.37, जो कि केवल मैंने 15 से 20 ID से वर्क किया है। और यहाँ पर देख सकते हो उससे पहले 00 था, 0.01, और यहाँ पर देख सकते हो $1.19 की अर्निंग हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं आपको RPM और CPM भी दिखाने वाला हूँ कि कितना RPM गया है और कितना प्लेबैक CPM। और अगर आप भी अपने चैनल के ऊपर CPM वर्क करते हो तो आपको RPM और CPM को मेंटेन रखना है, उसके बाद ही CPM वर्क करना है। तो देख सकते हो यहाँ पर एस्टिमेटेड रेवेन्यू किस तरीके से इंक्रीज हो रहा था। तो RPM की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो आप $30, प्लेबैक CPM देख सकते हो यहाँ पर $70। और अगर बात करें 7 days की तो यहाँ पर आप देख सकते हो $99। और आज देख सकते हो यहाँ पर $334 का यहाँ पर RPM आया है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैं आपको प्लेबैक CPM भी दिखाने वाला हूँ कि प्लेबैक CPM कितना आया है। तो CPM की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो 28 दिन का है यहाँ पर $70, उससे पहले था $13। और आज की बात करें कि आज कितना प्लेबैक CPM गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो $1308, जो कि बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। तो यहाँ पर अगर टॉप जियोग्राफिक्स की बात करें कि सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्रीज आया है, तो देख सकते हो यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम। 7 days की बात करें तो देख सकते हो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी। तो बात कर लेते हैं कि कौन सा VPN यूज़ करना है। तो इसके लिए आपको जाना है प्ले स्टोर पर, वहाँ पर आपको सर्च करना है USA VPN। तो आपको इस वाले VPN को इंस्टॉल करना है, उसके बाद ओपन करना है। तो यहाँ पर मैं आपको सर्वर बताने वाला हूँ कौन से सर्वर से और कितने ID से वर्क करना है, जिस तरीके आप भी इस तरीके से अर्निंग कर सकते हो। तो इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे सर्वर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको USA न्यूयॉर्क वाला सर्वर देखने को मिल रहा होगा, इससे आपको 15 से 20 ID से वर्क करना है।